अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम विंटरलैंड चले, मरी का वेदर यहाँ पे रहकर हम एंजॉय कर ले। तो अभी बस हम निकल रहे हैं बच्चों लोगों के साथ साथ फैमिली के, तो अभी बस निकलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहेगा, लेट्स गो। लो जी, अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं और अभी हम थोड़ी ही देर तक लाहौर पहुंच जाएंगे। हम मोटरवे के थ्रू नहीं जा रहे, बिकॉज़ ये बच्चे कह रहे थे कि हमने मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद देखने, तो हमने कहा कि चले फिर हम सिटी के अंदर की तरफ से जाते जाके ताकि ये सब देख लें और उसके बाद फिर हम जाएँगे विंटरलैंड। अभी इस वक्त हम मरीदकिया में पहुँचे और ये देखे ये मौलवियों का काफिला जो है ये निकला हुआ है जुलूस के लिए, शायद ये इस्लामाबाद जा रहे हैं। और ये देखिए कितनी बसेस है जिसमें सारे मौलवी इकट्ठे हुए हैं। अब पता नहीं ये क्या करते हैं, पहले तो बड़ी तबाही हुई थी, पाकिस्तान में आग लगे थे, अब ये पता नहीं अल्लाह खैर ही करे क्या करते। ये देखिए कितना रश है, कितनी आवाम जा रही है। ओए होए लो जी, हम तो फंस गए हैं ट्रैफिक में। अब इतनी ट्रैफिक है पता नहीं कैसे निकलेंगे यहाँ से हम। ओए बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो लगता है यहाँ पर रात तक नहीं खुलेगी, लेकिन शुक्र है कि हमारी गाड़ी एक अंडरपास के पास आके रुकी है। अब हम यहाँ से जाएंगे दूसरी साइड पे, फिर हम वन वे जाएंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ये हम वन वे जा रहे हैं, उस तरफ देखें ट्रक की ट्रक है और वो भी वन वे पे ही है, इसीलिए ये रास्ता बंद हुआ है क्योंकि उधर से भी ट्रक है इधर से भी ट्रक है। अभी हम शाहदरा पहुंच चुके हैं और ये वो रोड है जहाँ पे शाहदरा पे एक पुल बन रहा है। ये भी रास्ता सारा टूटा फूटा ही है, लेकिन चलो अच्छी बात है पुल बन रहा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है। और ये हम पहुँच चुके हैं जी बादशाही मस्जिद, आपको दूर से नज़र आ रही होगी। और इस तरफ इसके मीनारे पाकिस्तान है और बच्चों को यही देखना था, इसी को देखने की एक्साइटमेंट थी कि हम कब देखेंगे। जावेद, हाँ जी, अरे आ रहे हैं आपको एंजॉय कर रहे हो। ये है जी बादशाही मस्जिद, एज यू नो एवरीवन, ये इसकी आउटसाइड है और ये है इसकी इनसाइड। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ जी, बाबा कह रहे हो आप, बाबा बाबा कहते हो आप, माशाल्लाह। जैवी मेरा बेटा, बाबा कहते हैं बाबा। जावेद, जैवी इधर, वो देख रहा है कि मैं किस जगह पे हूँ। ओए होए पाँव जल गए, बहुत गर्म जमीन है, सारे पाँव जल गए। चल अब आप मुझे उठाओ, ठीक है, है देवी इधर आओ। बहुत गर्मी है। ये हम आ चुके हैं जी मीनार पाकिस्तान और बच्चे जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अभी वो बोट में बैठे हैं, इस साइड पे ये बोट है, अभी वो उसमें एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम जाएंगे विंटरलैंड जो कि बहुत ही कूल जगह है। सो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधा विंटरलैंड, जिस जहाँ पे जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पे मरी जैसा भी वेदर है, स्नो है, ठंड है, जो कि मैं चाह रहा था। लो जी, फाइनली हम विंटरलैंड में लैंड कर चुके हैं। ये विंटरलैंड का अंदर जाने का रास्ता है, ये है इसका पार्किंग एरिया जहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये अभी यहाँ पे शॉप्स बन रही है कुछ, ये है इसके इनसाइड विंटरलैंड की। यहाँ पर तो अभी गर्मी ही है, अभी आगे देखे कैसा वेदर होता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी गर्मी ही लग रही है, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का इनसाइड में। एज यू कैन सी, और ये हमने ले ली है टिकट्स जो हक के हैं 2500 की, जिसमें फ़ोटो और स्नैक्स लिखा हुआ है कि फ्री है। हम जा रहे हैं जी प्रीमियम वाली साइड से क्योंकि हमारी टिकट प्रीमियम है, एक स्टैंडर्ड है वो उस साइड पे, स्टैंडर्ड टिकट जो है वो 1500 की और प्रीमियम 2500 की। ये हमने पहन ली है जी बैचेस।
इसका फायदा ये है कि आप जितनी दफा चाहो अंदर और बाहर आ जा सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड टिकट उठती है वो बस आप एक दफा अंदर जा सकते हो, दोबारा नहीं जा सकते। और ये है जहाँ पे ये अपने जैकेट्स वगैरह देते हैं, लेकिन हम अपनी लेके आए हैं। ये मेरा शहजादा, हाय माशाल्लाह। और अभी हम इसके, बल्कि इसकी मम्मा इसके कपड़े चेंज करने लगी है। हम कपड़े खुद लेके आए थे, गर्म कपड़े, क्योंकि हमने कहा कि हम यहाँ के यूज़ नहीं करेंगे, पता नहीं किस किस ने पहने होंगे। ये मेरा शहजादा हो गया है रेडी माशाल्लाह, मेरा शहजादा। और ये है इसका बड़ा भाई, इधर ये आपको दे रहे हैं जी जैकेट्स वन बाय वन, ये सबको पहनाते भी है। सो फाइनली अब हम एंटर होने लगे हैं जी विंटरलैंड के इन साइड पे। ओए हो, एकदम से इतनी आग से ठंडक पड़ी है ना, आए दिल को सुकून आ गया। ये देखिए ये सारा बर्फ का बना हुआ है, ये बाबा जी भी बर्फ के हैं। ओए क्या हुआ आपको, सर्दी लग रही है? ओए फुल पैक हो गया, ये स्लाइड है और ये मैं। और यहाँ पर पड़ रही है बर्फ यानी कि स्नो, जो कि बहुत ही मज़े की। और ये ऐसे है जैसे कि रियल में पड़ रही है स्नो, जैसे मतलब कि वहाँ पे फील होती है। ये देखिए, और इसको क्या हो गया भाई, ये तो लगता है मर गया बेचारा ठंड से ही ये नीचे बर्फ है सारी और ये ऊपर से स्नो आ रही है, और ये ऐसे ही फील होता है जैसे कि रियल स्नो है, जैसे मरी में स्नो होती है, सेम ऐसे ही है। ये देखिए ये मुँह से धुआं भी निकल रहा है जैसे कि सर्दियों में निकलता है। इधर 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 जावे ध्यान से ये है जी यहाँ का प्लेइंग एरिया जहाँ पे छोटे बड़े सारी प्ले करते हैं। ये स्लाइड्स है, ये सब कुछ बर्फ का बना हुआ है, बहुत ही ठंड है यहाँ पे। अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है तो अब हम ज़रा बाहर आए हैं थोड़ी गर्मी लेने के लिए। हाँ जी मज़ा आया, कितना कितना ज़्यादा मज़ा आया, एंजॉय किया आपने? और अब हम दोबारा फिर अंदर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि बाहर हम निकले थे थोड़ा जिस्म को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अंदर आए हैं फिर सर्दी, बाहर गए तो इतनी ज़्यादा गर्मी। अभी हम इस ठंडे ठंडे मौसम में खाने लगे ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ये बिल्कुल फ्री है और फ्री की वाकई फ्री है। ये देखिए इतने बड़े कप में ये थोड़ी सी आइसक्रीम उन्होंने डाली है, बस एक स्कूप भी नहीं है पूरा। और ये ऊपर लिखा हुआ है जी कि 300 की आइसक्रीम है लेकिन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ये देखिए फ्री। ग्लव्स की तरह सर्दी इसलिए है कि ताप रही है तो फाइनली अब हम पक्के बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब हम दोबारा अंदर नहीं जाएंगे, जा तो सकते लेकिन जाएंगे नहीं है। अब हम जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की, और ये बच्चों के भी कपड़े चेंज कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम निकलेंगे वापसी के लिए। ये अब हम बाहर निकलने लगे हैं, ये जा रहे थे हम बाहर गाड़ी में। ये देखो इसको क्या हो गया भाई, पकड़ो पकड़ो, ओ, 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 ये बड़ा डांस कर रहे हैं। अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी तो अभी हम आ गए बट कढ़ाई पे, यहाँ पे हम कढ़ाई वगैरह खाएंगे और उसके बाद फिर हम खाना खाने के बाद हम निकलेंगे वापसी के लिए, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई अंदर,
काफ़ी देर रहे। आओ जी बैठो, तशरीफ रखिए। जावेर अपने भाईजान के साथ कह रहे है, गंजे ओए गंजे। आए आए माशाल्लाह। खाना हमने खा लिया है और अभी हम निकलने लगे वापसी गुजरांवाला यानी कि अपने घर, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ये दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना।